ज्यादा मेम्बर आए होंगे, आखिर में कुछ डिस्टर्ब हो गया था, हम लोग फिर प्रोग्राम किए तो उनके अंदर बहुत पहले थे, हमने कहा कि आप भी आइए प्रोग्राम, हम लोग दिल्ली बैठते हैं तो हम लोग पढ़ते सीखते सिखाते हैं, तो वो एक दिन आए हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हम लोग एक तरफ देखा कि हम लोग मतलब हम लोग स्कूल को जोड़ नहीं पा रहे थे, मतलब कनेक्शन गैप था या पीछे हो रहा था, इसका एग्जाम था किसी पुस्तक वो नहीं आ पा रहे थे, तो हमने कहा उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा क्लब है, हमने कहा ठीक है जब है आपका एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म तो बस इस्लाम को रॉल करते, बड़ा प्लेटफॉर्म देता बस एक ग्रुप बना देते व्हाट्सएप में, और इसलिए जो मीडिया पर शेयर करना पढ़ना लिखना बस हुआ, हमने कहा कि देखिए एक नाम नाम का भी एक हमको हिम्मत ये भी लगा कि नाम देखे है इस्लाम का, फिर पता क्या हमने तो मेंटल क्या चेंज किया मतलब इस्लाम वगैरह सुन के हम स्किप कर देते हैं, और हमने इसमें घर से घर से भाई जो है तो मतलब बीच पर नहीं आते, सैमसी क्लब इस तरह का नाम है, तो नाम से भी क्या होता है कि मतलब जुड़ते हैं नारा बहुत अच्छा वर्णी मोदी के बर्मी तो नाम में भी बहुत बड़ा हिम्मत है जिससे हम लोग नए भाई को जोड़ सकते हैं, हम लोग यहाँ इसलिए बढ़ते थे कि हम लोग नाम में कागज खा रहे हैं, हम लोग खा रहा हम लोग दुनिया चेंज था, हम लोग दुआ करके के तरफ बना आखिर फिर दुनिया पहले दुनिया के साथ दुआ करते थे बना दुनिया और आखिर दोनों हम लोग कामयाबी होना है, दुनिया में कामयाबी क्या है, हमें ग्रुप हम इंजीनियरिंग फील्ड से है कोई बैचलर फील्ड से कोई टीचिंग फील्ड से हम तो आपकी जरूरत पड़ सकता है, कोई मेडिकल फील्ड से उनको आपकी जरूरत पड़ सकता है, इससे हम लोग का एक पॉपुलेशन बढ़ेगा, और हम लोग अब मतलब इससे पहले हम लोग मैं तो नहीं समझ पाया था कितने प्रोग्राम क्या हमसे कर लेंगे, तो मतलब एक सवाल पूछ करता है कि लोग कितने साफ सुथरा था हमने किसान का ईमान और आधा ईमान कहा गया, तो सफाई सफाई का भी काम किया, मैंने देखा मैं बहुत खुश हुआ कितना अच्छा काम कर, इसी तरह हम हफ्ता भी पंद्रह दिन रूटीन बना के यही काम करें, तो एक हुआ ये तो भरी देरी, और दूसरा मेन मकसद तो हमने हम किस तरह से जुड़े कि हम लोग सब स्टूडेंट हुआ एक दुनिया का मकसद है वो भी करें, और आखिर तुझे मकसद है कि तुम खैरा उम्मत है लिमनास, मतलब तुम बेहतरीन उम्मत हो जो बर्बाद की गई है लोगों के लिए उकलियत लिमनास, मुसलमानों के लिए नहीं था कि कहा लोगों के लिए मुसलमान भी है गैर मुस्लिम भी, हम लोग क्या करें हम लोग का जो मकसद है जो दुनिया में तो कहना भी है इसको किसी भी इनका इसको प्रायोरिटी देना ही है, रब्बल आखिरा फिर दुनिया और सबसे इससे इम्पोर्टेंट करना आखिर, तो इसके लिए हमने कुछ सीखे दाव का काम कैसे करना है, गैर मुस्लिम में कैसे पहुँचना है, मैंने भाई ने क्या कहा कहा कि मतलब एक गैर मुस्लिम जितना भी अच्छा काम करे वो जंगल में जाएगा, तो हमारे जो हिंदू भाई हमारे साथ उठते बैठते हैं अगर हम उसको इस्लाम के बारे में नहीं बताया और हमारा भी इंतकाल हो गया उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह तला पूछा कि भाई तुम जानते थे तुम किसी ने इस्लाम के बारे में नहीं बताया, तो वो कह रहे हैं कि भाई सोहेब भाई मेरे साथ रहते थे वो गैर मुस्लिम भाई का आया इतने से मुझे कभी नहीं बताया इस्लाम के बारे में, हम क्या जवाब देंगे उसने, और इमाम गजाली बहुत बड़े फिलोसफर जानते हैं वो लिखते हैं कि हो सकता है कि शायद गैर मुस्लिम बच जाए लेकिन अगर मुसलमान जो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है वो अगर पूरा नहीं किया सहायता हक का तो वो नहीं बच सकता, ये बहुत बड़ा खसारा, और आज दुनिया में देख रहे हैं दलील भी इसीलिए है कहा 30 साल में इतना बहुत बड़े बहुत दिन की बात कही साके भाई 30 साल में कबड़ा हमने मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव दुनिया का हो गया, और मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने कहा आखिर हम लोग स्टेट तीन स्टेट ज्वाइन किए थे काम करने के लिए फाटक बता हमारे एक बार गए इंजीनियर फराज मिश्रा वो इंजीनियरिंग करने मेरे साथ है सिविल में वो नहीं आ पा रहा उनका एग्जाम जब लागू हो गया आएंगे इंशाल्लाह, हम लोग सबसे पहले कुछ बुनियादी बात सीखे कुछ समझे पहले खुद अपने आप पर अमल करें उसके बाद फिर दूसरे विधायक दाव का काम करें इसी तरह हमें कलेक्टिव करके काम करना है, तो हम लोग ये एंट्री क्लब एक से एक आदमी का नहीं ये सबका हम लोग इससे जुड़े इससे हम लोग जो इन्होंने कहा हम लोग एक लिमिट प्रोग्राम हुआ बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे मदद करते हम लोग फिटनेस फिटनेस बहुत जरूरी है मुसलमानों के लिए है कि फिटनेस हर चीज मतलब एक व्यवस्थित तरीका लगा किसी की बात यह है कि लोग मॉर्निंग में हर सुबह 5 बजे निकलते हैं लोग कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए या फुटबॉल वगैरह के लिए हम भी अपना एक प्रॉब्लम है लेकिन आप आ सकते हैं खुद आ सकते हैं कि क्लब किसी आपका या मेरे बैठा या मेरा नहीं ये हम सब का है बस एक प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से हम लोग सब जुड़े और हम लोग दुनिया और आखिर आखिर को ऐसा नहीं दोनों को हम लोग तरजीह देते हैं और हमारे साथ इतने बड़े हाफिज साहब साहिब साहब मुझे बहुत खुशी है कि इतने मतलब कितनी कीमती बात 10 फुट 10 फुट आता है उन्होंने कहा बहुत अच्छा है इनमें इतने कीमती कीमती आदमी है लेकिन सुनो चाहे हम भी रहते आप भी रहते आप तो भट्टा 10 मिनट है हम इनको नहीं जानते थे आप मतलब आप उनको नहीं जानते थे पहली बार देखेंगे है कि आपका ट्यूशन सेंटर और आप उनको नहीं जानते आप दुनिया में जान गया तो कितना अच्छा है मतलब मुसलमान को तो वैसे ही नहीं करना चाहिए क्या किया है कि ये ऑब्जेक्टिव है एमसी क्लब का तो मैं सबको भी बता दिया मैंने मैंने बहुत बता दिया और हम लोग हर वीक इसके लिए प्रोग्राम करते हैं 7:30 बजे से 9 बजे तक करता है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से करेंगे और इस मशवरा नेक्स्ट वीक का